जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैरेट्स। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ एंशेंट हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर तो हम 25 क्वेश्चंस से डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी आने वाली वीडियोज़ में हम डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और पहले हम एनसीईआरटी एंशेंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर हम मिडिवल पे जाएंगे, मॉडर्न पे जाएंगे, फिर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अपने सीडीएस एग्ज़ाम्स के लिए, अपने एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए हम हर तरीके से वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। इसके बाहर से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या साइंस के अंदर आएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने खुद बनाए हैं और मैंने खुद सीरियस एग्ज़ाम्स को 4 बार क्लियर किया है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिएगा। साथ ही में मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जो इंग्लिश के ऊपर होगा और उसमें हम डेली वोकैब्स देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश का जब पेपर होता है सीरियस में या एनडीए के अंदर, तो हम देखते हैं कि वोकैब्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम डेली बेसिस पे 10 वोकैब्स पे लर्न करते हैं तो हम अपने वोकेबलरी को काफ़ी साउंड कर सकते हैं और हमारी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। हमारी कॉम्प्रिहेंडिंग कैपेसिटी जो है हमारी कॉम्प्रिहेंड करने की, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। CAPF के अंदर भी हम देखते हैं कि इंग्लिश एक मेजर पोर्शन होता है दोस्तों। तो वोकैब, अगर हम वोकैब अपना सही करते हैं तो 20 क्वेश्चन तो हम सीरियस एग्जाम्स में ऐसे ही क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये एक हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, फिर एक वोकैब की वीडियो और एक हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स और सोशल एंड इकोनॉमिक्स इश्यूज का जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो 3 वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये हमें इम्प्रूव करेंगी डेली बेसिस पे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी एनसीईआरटी बुक्स के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक्स से मैंने लिए हैं। मैंने खुद ये क्वेश्चंस बनाए हैं, क्योंकि जब मैं कोई चैप्टर पढ़ता हूँ तो मैं उस चैप्टर्स को क्वेश्चन के फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ, ताकि उस चैप्टर के अंदर से कोई भी क्वेश्चन अगर बने तो मुझे मालूम हो, और क्वेश्चन पेपर में जब वो क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो वो बहुत ईजी हो जाता है करने के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है दोस्तों आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप डेली बेसिस पे इम्प्रूव करें और डेली हम लोग कुछ नया सीखें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दीपवंशा एंड महावंशा जो है वो किसके टेक्स्ट हैं। वो बुद्धिस्ट लिटरेचर के टेक्स्ट हैं, जैन लिटरेचर के हैं, कि वो ब्राह्मणाज हैं, कि उपनिषद हैं। अगर आपने एंशेंट हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी भी, तो आपको मालूम होगा कि दीपवंशा एंड महावंशा जो है दोस्तों, अगर आप गेस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपके पास टाइम है, लेकिन अगर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपको जवाब देना है तो कमेंट में लिखना है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो जवाब है वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर। जो दीपवंशा एंड महावंशा जो है दोस्तों, वो श्रीलंका की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं, श्रीलंका की हिस्ट्री पे ही लिखे गए हैं। श्रीलंका की हिस्ट्री जो 6th और 7th सेंचुरी के अंदर रही है, उसके बारे में ये दीपवंशा एंड महावंशा बुक्स जो टेक्स्ट हैं वो बताते हैं। तो दीपवंशा एंड महावंशा जो है हमारे बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं दोस्तों। जो हम जानते हैं कि हमारा जो पिताकास जो हमारे हैं, जातक्स हैं, वो सब भी बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं। बहुत सारे ब्राह्मणास क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, ये इन हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका बुक्स हैं, वो किसने लिखी हैं। आप खुद गेस कीजिए और सोचिए दोस्तों, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अगर आपको आंसर देना है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका जो जवाब है वो है हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन किंग है वर्धान डायनेस्टी के, और उन्होंने ही रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका बुक्स लिखी हैं। उनको राइटिंग का काफ़ी शौक था। जो कालिदास जी हैं, उनकी भी काफ़ी बुक्स हैं। अभिज्ञान शकुंतलम बुक है उनकी, मालविकी अग्निमित्रम बुक है, और भी उनकी काफ़ी बुक्स हैं दोस्तों। कालिदास जी की काफ़ी बुक्स हैं, जैसे रघुवंशा बुक है उनकी। तो अगर हम देखेंगे तो कालिदास जी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स रहे हैं। अशोक एंड कलहन की भी एक बहुत फेमस बुक है दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा उस बुक का नाम, आप देखते रहिए। मिलिंदपन हो, ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार कितने एग्जाम्स में आया है दोस्तों, पूछा गया है मिलिंदपन हो जो बुक है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ही बता दिया है कि इट्स अ डायलॉग बिटवीन बुद्धिस्ट सेंट नागसेन
एंड ग्रेट किंग मिनेंडर। दोस्तों आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है, नाम चेंज किया जा सकता है कि इट्स डायलॉग बिटवीन मिलिंद एंड पन्हो, आपसे बहुत सारे ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि मिलिंद पन्हो जो है वो एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है और बुद्धिस्ट सेंट नागसेन और ग्रेट किंग मिनेंडर के बीच में डायलॉग्स को कवर करता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्राह्मणास क्या होते हैं। ब्राह्मणास क्या होते हैं, हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे अगर हम अपने एंशंट हिस्ट्री के सोर्सेज को डिस्कस करेंगे तो सोर्सेज में ब्राह्मणिकल लिटरेचर होता है, उसमें हम वेदास पढ़ते हैं, ब्राह्मणास पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांग्स पढ़ते हैं, शूत्रास पढ़ते हैं, एपिक्स के बारे में जानते हैं। तो उन्हीं में से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मणास क्या होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर भी मैंने ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं किया आपको, और इसका आंसर आप सोचिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कि ब्राह्मणास जो है वो प्रोज एंड कमेंट्रीज हैं ऑन वेदिक हाइम्स। हम जानते हैं कि हमारे हमारा जो सोर्स है एंशेंट हिस्ट्री को जानने का, उसमें चार वेदास को पढ़ना होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। चारों ही अलग अलग मीनिंग कैरी करते हैं, चारों में अलग अलग तरह के हाइम्स हैं, अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। दोस्तों जैसे कि ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम्स के अंदर कि ऋग्वेदा के अंदर हम क्या जानते हैं, सामवेद के अंदर म्यूज़िक के बारे में लिखा गया है, बहुत सारे हाइम्स हैं सामवेद के अंदर, यजुर्वेद में रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस की बात की गई है, और अथर्ववेद के अंदर मैजिकल चीज़ों की बात की गई है। दोस्तों तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपको मालूम होने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चंस के अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त वो है उपनिषद क्या कंटेन करते हैं। जैसे अभी हमने देखा ब्राह्मण जो है प्रोज एंड कमेंट्रीज कंटेन करते हैं वो अपने वैदिक हाइम्स के, तो उपनिषद क्या कंटेन करते हैं, क्या वो फिलोसफिकल एंड एथिकल डिस्कोर्सेस को कंटेन करते हैं, सोशल कंडीशंस बताते हैं, या प्रोज एंड कमेंट्रीज बताते हैं वो भी वैदिक हाइम्स की, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है कि उपनिषद जो हैं उनमें फिलोसफिकल और एथिकल डिस्कोर्सेज हैं, उसमें फिलोसफिकल बातें की गई हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। इनमें चारों ही ये बुक्स के नाम हैं और इन्होंने चारों बुक्स क्रॉनिकल्स ये हैं, और आपको ढूंढना है कि इनमें क्या कोई गलत मैच है। तो दोस्तों राज तरंगिणी जो है ये बहुत ही फेमस क्रॉनिकल है जम्मू एंड कश्मीर की, तो क्या इसे कलहन ने लिखा है, अष्टाध्यायी जो है वो एक ग्रामर की बुक है पाणिनि ने लिखा है, मुद्राक्षसा जो है वो एक बुक है जिसमें हम पढ़ते हैं कि नंदा को कैसे ओवरथ्रोन किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे थ्रोन मगध की ऑक्यूपाई की थी। दोस्तों तो क्या उसे विघ्नेश्वर ने लिखा है, और कीर्ति कौमुदी जो है जो दोस्तों ये गुजरात का क्रॉनिकल है, और क्या इसे सोमेश्वर ने लिखा है। तो अगर आपको पता चल गया है इसका आंसर तो मैं आंसर बताने वाला हूँ। इसमें रॉन्गली मैच्ड है दोस्तों, मुद्राक्षसा जो है वो विघ्नेश्वर ने नहीं, उसे विशाख दत्त ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पिताकास, कि पिताकास किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, क्या वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, कि क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, कि ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पिताकास जो है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है। पिताकास जो है हमारे उनमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में काफ़ी चीज़ डिस्कस की गई हैं। इसमें पिताकास में देखेंगे कि आप विनय पिताका होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जाती है, शुद्ध पिताका होता है, अभिधम्म पिताका होता है, और इन सारे पिताकास में दोस्तों हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं बुद्धिस्ट लैंग्वेज की, बुद्धिस्ट लिटरेचर के प्रिंसिपल्स, बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल जो हैं वो सारे के सारे पिताकास में लिखे गए हैं। दोस्तों तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिताकास के अंदर किस चीज़ की बात होती है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज़्म की बात होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो दोस्तों हमें मालूम होना चाहिए जो पिताकाज हैं पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा, पिताकाज जो है हमारे पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, पिताकाज हमारे बुद्धिस्ट लिटरेचर के पार्ट हैं, और पिताकाज जो है दोस्तों उसमें बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स की बात की गई है। बहुत तीन तरीके के पिताकाज हैं दोस्तों हमारे, विनय पिताका है, शूद्र पिताका है एंड अभिधम्म पिताका है। तो कालिदास की जो बुक है मालविकी अग्निमित्रम, वो दोस्त किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है, उस बुक में कौन सी चीज़ डिस्क्राइब होती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल भी है, और अच्छे एग्जाम्स में ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। तो क्या ये डिफीट ऑफ ग्रीक्स ऑन बैंक ऑफ इंडस,
क्या ये सही है? हिस्ट्री ऑफ वॉर बिटवीन विदिशा एंड विदर्भा कि नंदास ओवर थ्रोन एंड चंद्रगुप्ता बिकेम द किंग। ये सही है दोस्तों कि सोशल कंडीशन ऑफ मौर्यंस को डिस्क्राइब किया गया है कालिदास की बुक मालविकी अग्निमित्रम में। तो दोस्तों इसमें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नहीं, नंदास ओवर थ्रोन को डिस्कस किया गया था मुद्राक्षसा नाम की बुक में जो विशाख दत्त ने लिखी है। तो दोस्तों जो ये पहला और दूसरा ऑप्शन है, डिफीट ऑफ ग्रीक्स ऑन बैंक ऑफ इंदस एंड हिस्ट्री ऑफ वॉर बिटवीन विदिशा एंड विदर्भा, यही दोनों सही आंसर हैं। ये दोनों ही सही आंसर हैं, दोनों को डिस्क्राइब किया था कालिदास ने मालविकी अग्निमित्रम के बुक में दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी के अंदर, क्योंकि अगर आप इसे नोट डाउन करेंगे तो आप कभी इसे भूलेंगे नहीं और आपका एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता जाएगा। और ये मैंने बहुत बेसिक से स्टार्टिंग से हर एक क्वेश्चन को कवर किया है, कुछ भी छूटेगा नहीं दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन दोस्त ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्गली मैच्ड, क्या समुद्रगुप्त, इसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस की बात की गई है कि कौन से रूलर का कौन सा इंस्क्रिप्शन है। तो क्या दोस्तों समुद्रगुप्त का जो इंस्क्रिप्शन है, समुद्रगुप्त प्राग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, समुद्रगुप्त के टाइम पे वो इंस्क्रिप्शन आई थी प्राग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त के टाइम पे मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन आई थी, अशोक के टाइम पे रुमनी देई इंस्क्रिप्शन आया था, या पुलकेशिन सेकेंड के टाइम पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आया था। इसमें कौन सा रॉन्ग है दोस्त, दोस्तों इनमें कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है? तो मैं आपको बताऊं, आपको जवाब मिल गया होगा, आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा इसका जवाब अगर आप देख रहे हैं वीडियो। तो दोस्तों इसका आंसर है पुलकेशिन सेकंड, क्योंकि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो खारवेला किंग्स का है और पुलकेशिन सेकंड का जो इंस्क्रिप्शन है वो है आईहोल इंस्क्रिप्शन। आईहोल इंस्क्रिप्शन लाखों बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि आईहोल इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू विच रूलर, तो दोस्तों वो पुलकेशिन सेकंड से बिलोंग करता है, प्लीज़ उसे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हम चार क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं कि समुद्रगुप्त का के इंस्क्रिप्शन का नाम है प्राग प्रशस्ति, प्राग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है, और एक इंस्क्रिप्शन और है उनकी, वो ईरान मध्य प्रदेश में है, ईरान इंस्क्रिप्शन है मध्य प्रदेश के अंदर। चंद्रगुप्त सेकेंड की जो इंस्क्रिप्शन है दोस्तों वो है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, एंड अशोक की फेमस बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है ये नेपाल के अंदर है दोस्तों रुमनी दे इंस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, और क्या रुद्रदमन वन का है वो इंस्क्रिप्शन, या हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या खारवेला किंग का लिंग खारवेला किंग का है, या बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन हर्षवर्धन से रिलेटेड है, या भिटारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त से रिलेटेड है। दोस्तों इसमें भी इन दो क्वेश्चनों के अंदर मैंने आपको आठ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मैं आपको कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं हर एक क्वेश्चंस को हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में चेंज कर दिया है ताकि आपको वो ज़्यादा रिमेंबर आप कर सकें, उसमें अपना दिमाग लगा सकें, और जब आप दिमाग लगाते हैं, जब आपका दिमाग प्रोसेस करता है कोई चीज़ तो आप उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। तो दोस्तों इसमें ये बिल्कुल सही है कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो रुद्रदमन वन का ही है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मैंने पिछली बार बताया कि वो खारवेला किंग का कलिंग खारवेला किंग का है, बंसखेड़ा इंस्क्रिप्शन हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन का एक और इंस्क्रिप्शन है मधुवन इंस्क्रिप्शन, दोस्तों मधुवन जगह है ये, बंसखेड़ा भी एक जगह है। बिठारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन दोस्तों कुमार गुप्त का नहीं है, ये स्कंद गुप्त का है, क्योंकि कुमार गुप्त का जो इंस्क्रिप्शन है दोस्तों उसका नाम है बिलसाद स्टोन इंस्क्रिप्शन, बिलसाद स्टोन इंस्क्रिप्शन है दोस्तों कुमार गुप्त का। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हु इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या गुप्ताज ने लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशू किया था दोस्तों, गुप्ताज मौर्यंस कुशांस इंडो ग्रीक्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जो कुशांस हैं उन्होंने तो सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स को इशू किया है, तो गुप्ताज जो हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉइन इशू करने उन्होंने ही किया है, गुप्ताज इसका सही आंसर है दोस्तों, गुप्ता इसका सही आंसर है। तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिएगा, गुप्ताज ने सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स कंट्री के अंदर इशू किए थे, कुशांस ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, इन दोनों ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो क्वेश्चंस का पता चलता है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य आए थे उन्होंने ही कर दिया था। हु हैज़ बीन डिपिक्टेड प्लेइंग वीना ऑन हिज कॉइन्स, ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है दोस्तों, हु हैड बीन डिपिक्टेड प्लेइंग वीना ऑन हिज कॉइन, क्या वो समुद्रगुप्त हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं,
चंद्रगुप्त सेकंड हैं, राजा राजेंद्र है दोस्तों, कौन है हो सकता है? अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, समुद्रगुप्त दोस्तों वो हैं जिनको डिपिक्ट किया गया है वीणा प्लेइंग करते हुए कॉइन्स पे, उनके कॉइन्स पे वो वीणा प्ले करते हुए दिखाए गए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? क्या फायान जो हैं वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे इंडिया में आए थे, हुआन सांग हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया में आए थे, अल बरूनी महमूद अब गजनी के टाइम पे आए थे, मैगस्थनीस क्या चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एम्बेसडर थे दोस्तों? तो दोस्तों ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप चारों ही स्टेटमेंट को ध्यान से देख लीजिए कि फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे इंडिया में आए हैं, वान सांग हर्षवर्धन के टाइम पे आए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस है और एनसीईआरटी बुक्स के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है ये लाइंस। तो दोस्तों प्लीज़ इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त, वान सांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पे आए हैं, हुआन सांग हर्षवर्धन के टाइम पे आए हैं, अल बरूनी जो हैं उन्होंने विजिट किया है दोस्तों महमूद अफ गजनी के टाइम पे। ये सारे राइटर्स रहे हैं, मैगसनीज जो है इन्होंने इंडिगा नाम की बुक लिखी है दोस्तों, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर एम्बेसडर थे उनके कोर्ट में, और वो सेलुकस निकेटर जो थे वो उनके उनके एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर थे जो यहाँ पर इनके कोर्ट में थे। इन्होंने इंडिका नाम की बुक भी लिखी थी जो मौर्यन एम्पायर की पॉलिटी और गवर्नेंस के बारे में बहुत कुछ बताती है दोस्तों। विच इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू हेलियोडोरस? क्या मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन है, आई होल इंस्क्रिप्शन है, कि दोस्तों बिलसात स्टोन इंस्क्रिप्शन है? तो दोस्तों मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है दोस्तों वो तो चंद्रगुप्त सेकेंड का है। बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन जो है दोस्तों वो हो सकता है हेलियोडोरस का हो, यही हो नहीं सकता, यही है भी आई होल, क्योंकि तो पुलकेशिन सेकंड का है, और बिलसाद स्टोन इंस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको बताया कि वो कुमारगुप्त का है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, आप देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर आप कितने क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस को आप सीख भी रहे हैं, एक क्वेश्चन के अंदर चार चार क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये अलग अलग तरीके से आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है जो किस रूलर को बिलोंग करता है दोस्तों? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन वन, खारवेला किंग, खारवेला किंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन उनके उनसे रिलेटेड है, हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन है सॉरी दोस्तों उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, हर्षवर्धन अभी मैंने आपको बताया कि बंस खेड़ा एंड मधुबन इंस्क्रिप्शन हर्षवर्धन के नाम पर है, हर्षवर्धन का ही रिलेटेड है, रिलेशन है उससे। समुद्रगुप्त का मैंने आपको बताया कि ईरान इंस्क्रिप्शंस हैं समुद्रगुप्त के, प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त के नाम पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों रुद्रदमन वन, रुद्रदमन वन जो है उनसे रिलेटेड है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस। आई होल इंस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस क्वेश्चन पे पुलकेशिन सेकेंड आंसर है दोस्तों। नासिक केव इंस्क्रिप्शन, नासिक केव इंस्क्रिप्शन दोस्तों नासिक कहाँ पड़ता है? नासिक दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर है, तो आप गेस कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। गेस आपको गेस करने के तरीके भी मालूम होना चाहिए, आपको किंगडम्स डायनेस्टीज का मालूम होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी किस साइड थी। तो दोस्तों इसका आंसर है गौतमी बालाश्री, ये सतवाहना किंगडम के रूलर थे दोस्तों, और सतवाहना किंगडम में आपको ये भी याद रखना है कि वो पैट्रियार्कल नेम, उनका नोमन क्लेचर पैट्रियार्कल नहीं था, वो उनका मैट्रियार्कल जो था वो उन नोमन क्लेचर करते थे, अपनी माता जी का नाम लगाते थे अपने साथ। तो दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि जो सतवाहनास थे वो पैट्रियार्की को फॉलो करते थे कि मैटरनल नोमेनक्लेचर को फॉलो करते थे। दोस्तों उनकी हायरार्की तो पैट्रियार्कल ही थी, मेल ही हायरार्की में आगे बढ़ते थे, लेकिन जो उनके नोमेनक्लेचर थे उनमें वो अपने माता जी का नाम यूज़ करते थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सतवाहना इशूड कॉइन्स ऑफ विच मेटल? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतवाहन बहुत सारे, क्योंकि हर एक डायनेस्टी ने अपने कॉइन्स इशू किए हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया कुशान जो थे उन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू किया था। तो दोस्तों सतवाहना ने इशू किए थे कॉइन्स के, उन्होंने गोल्ड के किए थे कि कॉपर के किए थे कि सिल्वर के किए थे? दोस्तों इनमें से तीनों में से कोई नहीं किए थे, उन्होंने लीड के कॉइन्स इशू किए थे दोस्तों। सतवाहना से आपको याद रखना है कि सतवाहना ने लीड के कॉइन्स इशू किए थे।
गोल्ड कॉइन्स का मैंने आपको बता दिया कि कुषाण थे जो सबसे पहले उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को यूज़ किया था। गुप्ता ने सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशू किया था दोस्तों। नंदास का देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को ओवरथ्रोन किया था। और मुद्राक्षसा जो बुक है उसमें ये बोला बताया भी गया है विशाख दत्त द्वारा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रोन किया। तो हु इज़ नोन एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स मास्टर ऑफ लैंड एंड प्रेजेंस शाक के मुनि। शाक मुनि नाम आपने बहुत बार सुना सुना होगा दोस्तों। तो अब मैं आपको बता दूं कि वान सांग जो हर्षवर्धन के टाइम पर इंडिया में आए थे उन्हें ही कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स मास्टर ऑफ लैंड एंड प्रेजेंस शाक के मुनि। दोस्तों ये एनसीईआरटी में एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है और बहुत सारे अलग डिफरेंट सोर्सेज के बुक्स में ये क्वेश्चंस भी हैं कि प्रेजेंट शाक्य मुनि हैं उन्हें किसे कहते हैं। तो दोस्तों हुआन सांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया में है, आपको याद रखना है, उन्हें ही कहा जाता है प्रेजेंट शाक्य मुनि, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स एंड मास्टर ऑफ द लैंड। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हु इस्टेब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है विलियम जोन्स। 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई है दोस्तों। विलियम जोन्स का नाम आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इन्होंने ही जो कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है दोस्तों। इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है अभिज्ञान शकुंतलम बुक जो है कालिदास की उनका। दोस्तों इसमें आप जो ऑप्शन देख रहे हैं वी एस स्मिथ एंड विल्किंस, तो वी एस स्मिथ के बारे में आपको मैं बता दूं कि इनकी भी एक बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और जो विल्किंस हैं इनकी जो किताब, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। विल्किंस को आपको याद रखना है कि 1785 में इन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था दोस्तों। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आंसर क्या है कि विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फॉर्मेशन किया है। हु इज़ रॉन्गली मैच्ड, इसमें कौन सा हरप्पा रावी नदी के किनारे है, मोहन जोदाड़ो जो है दोस्तों वो इंदस नदी के किनारे है, लोतहल जो है भोगावा नदी के किनारे है, कालीबंगन क्या चंबल नदी के किनारे है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा दोस्तों क्योंकि कालीबंगन राजस्थान में है, राजस्थान में चंबल नदी बहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कालीबंगन चंबल नदी के किनारे है दोस्तों। घाघर नदी है, एक घाघर नदी के किनारे कालीबंगन है, तो कालीबंगन वाला ऑप्शन जो है इसमें दोस्तों गलत है। तो आपको याद रखना है कालीबंगन चंबल नदी के किनारे नहीं है, कालीबंगन जो है हमारे घाघर नदी के किनारे है दोस्तों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सदर्न मोस्ट लोकेशन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन कौन सा है। तो दोस्तों ये चारों ही कोई ना कोई लोकेशन है आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मांडा है वो नॉर्दर्न मोस्ट लोकेशन है, दायमाबाद मांडा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है दोस्तों, दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, वो सदर्न मोस्ट लोकेशन है हरप्पन सिविलाइजेशन का, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है वो ईस्टर्न मोस्ट है, एंड सुखता जंडौर जो है वो वेस्टर्न मोस्ट है, वो गुजरात के साइड में है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इसमें कौन सा रॉन्ग है। सिमेट्री R37, क्या वो हरप्पा में देखा गया था सबसे पहले, खोजा गया था उसको। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, पीसीएस एग्जाम्स में तो लाखों बार पूछा गया है और सीडीएस एग्जाम्स के अंदर भी पहले पूछा जाता था, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, लेकिन एसएससी सीजीएल इन सब के एग्जाम्स में तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो इमेज है वो मोहनजोदड़ो में सबसे पहले मिली थी डोकयार्ड। ये तो फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, एनडीए के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि डोकयार्ड जो था हरप्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले कहाँ दिखा था, वो लोतहल पोर्ट सिटी भी कहते हैं दोस्तों इसको। फुरो जो प्लॉट लैंड्स थे, फायर अल्टर्स थे, वो कालीबंगन में मिले थे दोस्तों। तो इसमें कोई भी आंसर गलत नहीं है, चारों ही सही है, चारों ही सही है कि पोर्ट सिटी लोथल को कहते थे, वहाँ पे डॉकयार्ड मिला था, ब्रॉन्ज डांसिंग इमेज जो है मोहनजोदड़ो में मिली थी, सिमेट्री R37 हरप्पा में मिला था सबसे पहले, एंड फूरो दोस्तों जो आज के ज़माने में अगर बैल से हम जो खेती करते हैं उसको कहते हैं, वो थोड़ा स्टोन का बना होगा या लकड़ी का बना होगा जिसे खेती में यूज़ किया जाता है दोस्तों, उसको फूरो कहते हैं। तो ये कालीबंगन में मिला था, कालीबंगन में ही सबसे पहले प्लॉट लैंड्स भी हमें मिले थे, खेती मतलब जो जोते हुए लैंड समय दिखाई दिए थे। तो दोस्तों होप कि ये 25 क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे होंगे, प्लीज़ आप इसका एक नोट बना लीजिएगा और मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में और 25 क्वेश्चंस लेके आऊँगा और हम 500 क्वेश्चंस में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो हमारे साथ दोस्त बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी सीजीएल से लेके
PCS एग्ज़ाम्स के लिए, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो हो मैंने खुद अपनी रिसर्च से बनाया है, मैंने खुद NCERT बुक्स को पढ़ पढ़ के इन क्वेश्चंस को बनाया है और डिफरेंट सोर्सेज से बनाया है। आप दोस्तों एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको इन क्वेश्चन से क्विज करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, SSB गोल्स के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है दोस्तों। आप मेरी इंग्लिश की वीडियोस और जो IR एंड जियो पॉलिटिक्स की वीडियोस हैं जो आपके SSB लेक्चरेट्स में ग्रुप डिस्कशंस में हेल्पफुल होंगी, उनका भी लिंक नीचे देख सकते हैं दोस्तों और उसे देख सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की रीच पहुँचे और वो इस वीडियो का यूज़ कर सकें दोस्तों अपने आप को इम्प्रूव करने में। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।